If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamu alaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in Fmsbawarchikhana. I hope you all are fine. So aaj hamare Bawarchikhane mein main aapko banana sikhaungi mazedar suji ka rabri halwa. Ye kis tarah se banega aur iske liye kya kya cheeze chahiye? Sabse pehle maine 2 cup suji li aur use takriban 3 cup pani mein bhigo ke rakh diya. Aadha ghanta suji ko aapne bhigo ke rakhna hai aur uske sath sath aapne ek dechki leni hai aur uske andar 1 cup ghee add karna hai. Aap oil mein bhi bana sakte hain, desi ghee mein bhi bana sakte hain. और उसके अंदर 3 से 4 अदद आपने इलायची के दाने तोड़ के डाल देने हैं और तकरीबन 2 कप के करीब चीनी डालनी है. मैं इस स्टेज पे तकरीबन 1 कप के करीब चीनी डाल रही हूँ और उसके बाद मैं चक के दोबारा ऐड करूँगी. 2 कप चीनी आप डाल सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लें. थोड़ी देर मिक्स होने दें चीनी को और उसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 ग्लास पानी के. 4 ग्लास पानी डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है. इतना पकाना है कि चीनी जो है अच्छे से हल हो जाए और इसमें बॉयल आने लग जाए. ये आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, चीनी हल हो चुकी है. अब इस स्टेज में हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी सूजी जिसको हमने भिगो के रखा था. आधा घंटा सूजी को आपने भिगो के रखना है और ताकि सूजी जो है वो फूल जाए. ये आप देख सकते हैं रबड़ी हलवा बनाने के लिए आपको सूजी को हमेशा भिगोना है. आप चाहें तो इसे पानी में भिगो के रख दें, चाहे तो इसे दूध में भिगो के रख दें. इट्स टोटली अप टू यू, आप जिस तरह से भिगो के रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं. उसके बाद इसे मिक्स करते रहें. कंटिन्यूसली आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि हलवा नीचे ना लगे. और रबड़ी हलवा की स्पेशलिटी ये है कि इसमें घी जो है वो काफ़ी होता है, तो आप भी इसी तरह से बनाएं. और आप देख सकते हैं इस तरह से चम्मच चलाते रहें, आपका हलवा जो है मज़ेदार तैयार हो जाएगा. आपने इसको भूनना है, जितना मर्जी आप भूनना चाहें आप इसको भून सकते हैं. जैसा आपको पसंद है आप इसका टेक्स्चर ला सकते हैं. हलवे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं. इस स्टेज पे मैंने चीनी इसमें चखी थी और चीनी थोड़ी सी मुझे कम लगी थी क्योंकि मैंने 1 कप डाली थी और अब दोबारा इसमें 2 कप मैंने शामिल कर दिया है. इसमें 2 कप के करीब चीनी आपने शामिल करनी है. इस स्टेज पे आप चख लें, आपको जितनी चीनी पसंद है आप उस हिसाब से मीठा जो है एडजस्ट कर सकते हैं. चीनी डालने के बाद इसे मिक्स किया, 2 मिनट पकाया और अब इसमें मैंने 1 कप के करीब दूध शामिल कर दिया. दूध डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे और इसे कुक करेंगे तब तक जब तक सूजी का कलर चेंज हो जाए, थोड़ा सा भुन जाए सूजी अच्छे से और इसका कलर चेंज हो जाए. अब हम इस स्टेज में इसके अंदर शामिल करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ खोपरा नारियल और साथ ही थोड़ा सा नारियल कटा हुआ शामिल करेंगे. आप बादाम, पिस्ते, कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है, मेवाजात आप डाल सकते हैं. इसके बाद इसे हम कुक करते रहेंगे. आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा सूजी का हलवा बनके तैयार हो चुका है और मज़ेदार हलवा तैयार है. इसे इंजॉय करें, ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा. बहुत सिंपल, बहुत ईजी है. सो और भी कोई रेसिपी अगर आप सीखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और बिल्कुल फ्री है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.